सिटी 42 के एडिटर नवीद चौधरी का नुक्ताए नज़र उनकी ज़बानी सुनिए। जी इरफान साहब, देखें पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, अगरचे पाकिस्तान और भारत को आज़ादी एक ही वक्त में मिली, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जमहूरियत का तसलसल यकीनी बनाना तो दूर की बात, जो जमहूरियत यहाँ आई भी वो नाम नेहाद थी और उसे भी कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया जाता रहा, पूरी इसकी हिस्ट्री है। और आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इसमें फाइनेंशियल टाइम जैसा मोतबर जो अखबार है वो लिखता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारे ढांचे के अंदर एक गैर मुतलका फ़र्द हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं। इस तरह की चीज़ें हमने यूरोप से तो सुनी। तालिबान के एक जो रहनुमा हैं जनरल मुबीन, उन्होंने भी एक निजी टी वी पर बैठ कर ये कह दिया कि पाकिस्तान हमारे मामला में मुदाखलत ना करें। वहाँ इमरान खान साहब के बारे में भी यही तासुर है कि वो एक कठपुतली वज़ीर आज़म है। तो ये तासुर इसलिए रासख है कि जो बाहर से आता है मुज़ाकरात, वो जी एच क्यू जाके करता है। अभी देखें, दो रोज़ कबल ही अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आई हैं और उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है और वज़ीर ख़ारजा साहब से मुलाकात की है, उसके बाद चली गई। तो जहाँ से उनको काम लेना है, जहाँ वो समझते हैं कि इख्तदार का हकीकी मरकज़ है, वो वहाँ जाते हैं। और पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, इसमें कोई शक शुबा तो नहीं है ना जी। आप मरियम नवाज़ की पिटीशन देख लें, बातें तो सबको पहले ही पता थी, अब उन्होंने कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दे दी कि किस तरह से उनके और उनके वालिद के केस को मैनिपुलेट किया गया। और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जैसे बहुत ही वेल रिप्यूटेड जज जो हैं, वो इस हवाले से अपनी शिकायत चीफ जस्टिस तक पहुँचा चुके हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने केस किया उसमें उन्होंने बयान एल्फी भी जमा कराया, तो की जाती है कि वो ये सामने आएगा। फिर आप बहुत सीनियर साफ़ी हैं, खुद भी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से मुदाखलत होती है वो भी आपसे ढकी चुकी नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर कौन आपकी हुकूमत को सीरियस लेगा, कौन आपके सिविल ढांचे को सीरियस लेगा, किसको किस मामले का इलम होगा? अगर सी पैक रुकता है तो उसके हवाले से भी बात फौज से की जाती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी गंभीर हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में एक आइन है और मुतफिका आइन है, ये हमारी खुशकिस्मती है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसा एक, मैं समझता हूँ, इंतहाई ज़हीन व फ़तीह सियासतदान एक मुतफिका दस्तावेज़ात बनाने में वो कामयाब हो गए, पूरी कौम का उस पर इतफाक़ है। तो उस पर अमल दरामद किया जाए तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा देर लगेगी, हम 2-3-4-5-10 साल के अंदर एक ट्रैक पर आ जाएंगे। बसूरत दीगर जिन हालात का हमको आज सामना है वो इसी तरह से रहेंगे, ये गलत फहमी है कि कोई दूर होगा। माजी में अमरीका, यूरोप, गल्फ ममालिक हमें खसूसन उन दिनों जब यहाँ बरह रास्त मार्शल लगा होता था तो पैसे देकर निज़ाम चलाते रहते थे, हमारी रूलिंग लेडी भी खुश रहती थी और ट्रिकल डाउन इकानमी के तहत कुछ ना कुछ नीचे भी आ जाता था। अब वो सिलसिला भी ख़त्म है, अब अमरीका एक पाउंड देने को तैयार नहीं, यूरोप एक पैनी देने को तैयार नहीं, गल्फ कंट्रीज ने अपना हाथ खींच लिया है, चीन सिर्फ कारोबारी करता है, तो ये सूरत हाल और मुश्किल हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आइन पर अमल दरामद किया जाए ताकि तमाम शोबे जो अपनी हदूद हैं उसके अंदर रहकर काम करें और मुल्क की सिमत मुतैन हो। मुझे बड़े सोच से कहना पड़ता है कि इस वक्त तो हमारी सिमत का तयन नहीं हो सका 74 साल बाद भी।